एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में एसजेपीयू व एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक की गई, जिसके संबंध में एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि एसजेपीयू एवं एएचटीयू की मासिक बैठक की गई है, जिसमें महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन एसओपी अनुसंधान एवं अभियोजन बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा विवेचक के समक्ष आ रही समस्या पीड़ित के आवासन बाल श्रम और भिक्षावृत्ति की रोकथाम बच्चा चोरी की अफवाहों पर डीजी द्वारा जारी परिपत्र किशोर न्याय अधिनियम 2015 से हुए नवीनतम संशोधन पॉक्सो एक्ट के मुकदमे पंजीकृत करते समय से कार्रवाई और बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य विशेषज्ञ बाल संरक्षण बाल कल्याण समिति अभियोजन अधिकारी कारागार विभाग न्याय विभाग चिकित्सा विभाग श्रम विभाग शिक्षा विभाग चाइल्ड लाइन शेल्टर होम थाना एएचटी सहित सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, ऐसा कोई है जिसने अभी तक ये फॉर्म ना भरा हो, इसने ऐसी रजिस्ट्री नहीं की है जिसमें फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ी हो, आप लोगों में से ऐसा कोई है जिसने फॉर्म नहीं भरा? यह फॉर्म है कि रात को अगर एक वन नाइट इसमें लिखा गया था कि रात भर संरक्षण प्रवास की एक रात के लिए किसी बच्चे को आश्रय देने की जरूरत में नहीं आ पाया है। फॉर्म हिंदी में है, ये पॉक्सो में, पॉक्सो की जितनी भी केसेस आपके पास आता है उस केसेस में आपकी जो प्रक्रिया, ये क्या है कि पॉक्सो का रूल जो गैजेट में आया है तो उसमें ये मेंशन कर दिया गया है कि प्रारूप के ये प्रारूप का ये है और प्रारूप का ये टेबल में इस तरह से है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अपनी तरफ फॉर्म अलग से दिए गए, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लिए और यूज में ले आए, इसमें ये मेंशन किया गया है आपको खुद अपने पुलिस स्टेशन में टाइप करवा के ये फॉर्म्स बनाने होंगे। पहला फॉर्म जो है प्रारूप का है, वो कहता है कि इतनी तरह की अधिकार है उस पीड़िता को के लिए, बच्चे के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जिसको आप बताएंगे ये सारी चीजें और उपलब्ध कराएंगे ये सारी सुविधाएं, जैसे एफआईआर की प्रति उसको देना है, प्राप्त करना, बेसिकली ये सारे सवाल इस तरह से लिखे गए हैं कि हम बच्चा जो है इस पे कंसेंट दे रहा है कि एफआईआर की प्रति उसको प्राप्त हो गया है, पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण उसको प्राप्त हुआ है, सिविल अस्पताल पीएससी आदि से शीघ्र और निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण प्राप्त करना, मानसिक और मनोवैज्ञानिक कुशलता के लिए परामर्श और सलाह प्राप्त करना, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के बयान की रिकॉर्डिंग के लिए बालक के घर या बालक के लिए सुविधाजनक किसी अन्य स्थान प्राप्त करना, जब अपराध घर या संयुक्त परिवार में हुआ हो जहां बालक का किसी व्यक्ति की निगरानी से भरोसा उठ गया हो वहां से बाल देखरेख संस्थान में स्थानांतरित होना, सीडब्ल्यूसी की सिफारिश पर तत्काल सहायता और मदद पाना, मुकदमे के दौरान और अन्यथा आरोपियों से दूर रखा जाना, जहां आवश्यक हो दुभाषीय या अनुवादक प्राप्त करना, अक्षम बालक या अन्य विशिष्ट बालक के लिए विशेष शिक्षक पाना, निशुल्क विधिक सहायता पाना, बाल कल्याण समिति द्वारा समर्थन व्यक्ति को नियुक्त किया जाना, समर्थन व्यक्ति सपोर्ट पर्सन, ठीक है, वो बाल कल्याण समिति नियुक्त करते हैं, शिक्षा जारी रखना, निजता और गोपनीयता कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, हम सभी को पता है, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सहित महत्वपूर्ण संपर्क नंबरों की सूची पाना, ये भी उनको प्रोवाइड करना है। इसमें बीच में एक दो जगह सीडब्ल्यूसी की भी बात आई, साथ इसकी कॉपी के साथ प्रारूप खा भर कर, इसकी कॉपी के साथ और प्रारूप खा बाल कल्याण समिति को आपको भेजना। कार्य के परिणाम स्वरूप शैक्षिक अवसर का नुकसान हुआ है, क्या दुर्व्यवहार एक अलग थलग घटना थी क्या, या क्या यह दुर्व्यवहार समय के साथ हुआ था? उसमें तो आना नहीं है, तो जब आप टाइप करवा कर अपने फॉर्म्स डेवलप करेंगे पुलिस स्टेशन में तो उस स्पेस उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। सबका पीडीएफ फाइल शेयर किया गया है, इन सबके साथ शेयर किया जा सकता है। हम भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हमारा पर्सनल नंबर जो है ना उसमें सीजीएम तो मिलता ही है। आज ये एसजीपीयू की बैठक हुई थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के लोग सम्मिलित हुए थे, ये एक तरह की कोऑर्डिनेशन मीटिंग है। इसमें जो बच्चे भ्रष्टाचार में संलिप्त हो रहे हैं या नशे के आदि हो रहे हैं उनके पे उनके ऊपर भी चर्चा की गई, जो जेजे एक्ट में संशोधन हुए हैं उस पर चर्चा की गई, जो पॉक्सो एक्ट की नियमावली है उस पर भी चर्चा की गई, और जो हमारे पुलिस बाल कल्याण अधिकारी हैं उनके समक्ष जो परेशानियाँ आती हैं व्यवहारिक
उसके संबंध में भी चर्चा की गई और उसका निराकरण बताया गया। स्पेशली ये कि सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं इससे संबंधित वो आपस में कोऑर्डिनेशन से चलें और जब भी कोई फील्ड में जाए तो वो पुलिस के संज्ञान में लेके आए ताकि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटित ना हो पाए। इसमें जो बच्चा चोरी का आजकल अफवाह चल रही है बहुत ज़ोर शोर पे, उसमें भी चर्चा की गई कि किस तरह से जो पुलिस को उसमें कार्य करना है। इसमें एक डीजी प्रपत्र भी आया है, उसका अनुपालन कराने के लिए सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।